हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। गायत्री देवी की पोती दिया कुमारी ने राजसम्मत में चुनाव कैसे जीता। राजस्थान के राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी दिया ने राजनीति में भी अपनी पैठ बना ली है। उन्होंने राजस्थान के राजसम्मत सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी को मात देते हुए संसदीय सदस्यों में अपनी जगह बना ली है। दिया कुमारी ने कांग्रेस के देवकी नंदन गुर्जर को 5 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। दिया को चुनाव में कुल 8,58,690 वोट मिले थे। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने की दूसरी महिला सदस्य हैं जो लोकसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं। उनसे पहले जयपुर राजघराने से गायत्री देवी ने चुनाव लड़ा था। वे 3 बार सांसद रही थी। दिया कुमारी रिश्ते में गायत्री की पोती लगती हैं। दिया कुमारी गायत्री देवी के सौतेले बेटे भवानी सिंह की इकलौती बेटी हैं, जिस कारण दिया व्यक्तिगत रूप से अपनी दादी राजमाता गायत्री देवी की देखरेख में पली बढ़ी। वो विरासत के संरक्षक और जयपुर के शाही परिवार की कला और संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक राजकुमार का कार्य कर रही हैं। दिया के पिता भवानी सिंह ने भी 1987 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें वे हार गए थे। अपनी दादी गायत्री देवी के कदमों का अनुसरण करते हुए दिया कुमारी ने भी राजनीति में प्रवेश कर लिया। दिया ने 10 सितंबर 2013 को जयपुर में एक रैली के दौरान नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की उपस्थिति में औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। दिया कुमारी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए 2013 में सवाई माधोपुर सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें दिया ने जीत दर्ज की थी। दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने दिया कुमारी को टिकट नहीं दिया और तब कहा गया था कि दिया चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.